विधानसभा चुनाव में भाजपा की मुश्किल बढ़ाने वाले कंप्यूटर बाबा ने अब लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरने के लिए ताल ठोक दी है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खुलकर समर्थन किया था, जिसके बाद कमलनाथ सरकार ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी थी। अब कंप्यूटर बाबा ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर टिकट की मांग की है। बाबा का दावा है कि अगर उन्हें टिकट दिया गया तो वे लाखों वोट से जीत दर्ज करेंगे। कंप्यूटर बाबा ने कहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और मुख्यमंत्री कमलनाथ मध्य प्रदेश में जहां से कहें वहां से वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो लाखों वोटों से जीत भी दर्ज करेंगे। वहीं भोपाल में दिग्विजय सिंह के प्रचार करने के सवाल पर कंप्यूटर बाबा ने कहा कि वे निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह के लिए प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा, दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब से लेकर अब तक संतों के प्रति उनकी आस्था है और जनता भी उनके साथ है, वे दिग्विजय सिंह के लिए प्रचार जरूर करेंगे। कंप्यूटर बाबा ने कहा, अगर दिग्विजय सिंह सहमत हो तो हम सभी संत मिलकर उनके नामांकन में भी जाएंगे और पूरे प्रदेश में भी भाजपा के खिलाफ जो धर्म विरोधी पार्टी है उसके खिलाफ प्रचार भी करेंगे। इस दौरान कंप्यूटर बाबा ने कहा, कांग्रेस मध्य प्रदेश में 15 सीटें जीतेगी और नरेंद्र मोदी इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। बाबा जी, चुनाव लड़ने की बात करें तो क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में आप भी दावेदारी कर रहे हैं चुनाव? नहीं, ऐसा नहीं है, पर आज पहली बार हमने आपके चैनल के माध्यम से यहाँ कि यदि माननीय अध्यक्ष महोदय राहुल गांधी जी और माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी यदि वो कहेंगे तो मध्य प्रदेश में जहाँ से कहें हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और 100% लाखों वोट से जीत के भी आएंगे, ये संतों का दावा है। क्योंकि धर्म के प्रति ये हिंदू के लोग हैं, हिंदुत्व के लोग हैं, जनता जो है काम करना चाहती है, ये जुमलेबाजी नहीं चाहती है, ये चाहती है कि कोई काम करे वो आए। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो काम किया है तो जरूर संतों पे आप विश्वास है, ऐसा मुझे लगा। भोपाल से अब दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि दिग्विजय सिंह, देखिएगा, दिग्विजय सिंह तो अपने आप जीत ही रहे हैं वो, क्योंकि सारी जनता का झुकाव जो है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय राजा के साथ हैं और संत समाज भी शुरू से जब भी मुख्यमंत्री थे तब से लेके आज तक उनके प्रति बड़ी आस्था रखते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि यदि वो सहमत होंगे तो हम लोग जो हैं सारे संत उनके नामांकन में भी जाएंगे और प्रचार प्रसार भी करेंगे और पूरे मध्य प्रदेश में जो बीजेपी सरकार है, जो धर्म विरोधी सरकार है, इसको रोकने की कोशिश करेंगे।